आपको दिखाते हैं सर्दियों में चुस्की का आना। इंडिया में तो बहुत चुस्की खाई होंगी, और यहाँ दिखाते हैं आपको बर्फ देते हैं पानी। देख सकते हैं कितनी बिल्कुल चीनी की तरह है, बहुत ही मुलायम सी। इसको हमने, और ये हमारी बन गई जी चुस्की। तो इसके ऊपर डालते हैं, काला खट्टा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है फिलहाल, हम डालते हैं जी इसके ऊपर रू आफ्टा और करते हैं इंजॉय। क्या कहने इसका, लेते हैं जी आनंद। बहुत ही यम्मी यार टेस्ट आ रहा है इसका। सर्दियों में गर्मी का एहसास इस कुल्फी के साथ या चुस्की के साथ। काला खट्टा नहीं है, हमने रूह अफ़ज़ा डाल के बनाई है इसको। और यार कितना खूबसूरत नज़ारा तो है ही, बाहर मज़ा आ रहा है देखने के बाद। और उम्मीद है कि यार 2-3 फुट यहाँ पर स्नो डलेगी और आपको मज़ा भी आएगा। फिलहाल खाते हैं चुस्की, करते हैं आपसे बाद में बात। और खूबसूरत नज़ारा है यार, जिधर देखोगे आप स्नो इसमें दिखाई देगी आपको। मज़ा आ रहा है स्नो में। मैंने कहा चलिए आप तक पहुँचाएं इस वीडियो को, थोड़ी बहुत हिल रही होगी लेकिन स्नो का अपना ही मज़ा है यार यहाँ का। चलिए आपको लिए चलते हैं बाहर साइड, दिखा के लाता हूँ आपको थोड़ा सा। वेलकम बैक। और कनाडा कंट्री में देख सकते हो जी स्टार्ट हो चुकी है स्नो, चारों तरफ आपको दिखाई देगा जलवा से स्नो का ही। कैमरे में शायद आपको दिख रही हो हल्की फुल्की सी, लेकिन सुबह से ही ये लगातार स्टार्ट हो चुकी है और ये रहेगी भी कल सुबह तक। 26 जनवरी में आप सबका स्वागत और वेलकम बैक। और चादर सी बिछी हुई है बिल्कुल, जैसे कितनी खूबसूरत सी और कितनी प्यारी प्यारी सी स्नो हो रही है यार, देख कर हो रहा है दिल खुश। और कनाडा कंट्री का अगर मेवा कहा जाए स्नो को तो कोई गलत बात नहीं होगी। और इस बार हुई भी काफ़ी कम है, जबकि अच्छी खासी। और ये देख सकते हो आप कार के ऊपर स्नो जमनी शुरू हो चुकी है और उम्मीद है काफ़ी अच्छी खासी होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्म की चेतावनी भी दे रखी है उन्हें तूफ़ान की, कि अच्छी खासी आज स्नो होगी यहाँ पर। और ठंड भी काफ़ी है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आगे तक आपको ले जाकर दिखाएं। ये हमारे घर के सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है जो कि बिल्कुल ग्रीनिश होता है, लेकिन आप देख सकते हो बिल्कुल सफ़ेद चादर की तरह ढका हुआ। ये घर के बाहर का हमारा, आपको मैं आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, एक चुस्की कहते हैं इसको रूह अफ़ज़ा डालकर, जिसको हमारे इंडिया में यार एक बहुत बढ़िया सी आइसक्रीम होती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। काला ऐसी चुस्की बनती है बर्फ़ की, ऊपर काला खट्टा, याद आ गया यार वाकई। और खूबसूरत नज़ारा तो है यार, नो डाउट इसमें। और देख सकते हैं सड़क के किनारे और ये पार्क जो कि बिल्कुल। तो चलिए लिए चलते हैं जी आपको बाहर, कोशिश करते हैं 5-4 मिनट आपको दिखाएं। और सड़क का भी दिखाता हूँ मैं आपको हाल, ये है जी सड़क, आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी आपको, होती हुई स्नो अगर आपको दिखाई दे जाए तो। कैमरा भी थोड़ा बहुत हिलेगा क्योंकि काफ़ी बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है यार ये। और ये सामने सड़क, सड़क का भी और छोर आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको स्नो ही स्नो नजर आएगी। लेकिन कुल मिला के नज़ारा बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है देख कर यार। चलिए लिए चलता हूँ आपको थोड़ा सा बाहर और एडजस्ट कीजिएगा। खूबसूरत नज़ारों में आपका एक बार स्वागत है। और कनाडा कंट्री के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए किसी भी वीजे की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फ्री गाइडनेस है हमारी। जियो कनाडा के नाम से हमारा चैनल यूट्यूब पर, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। और ये मकान देख रहे हैं आप, और ये चौराहा, यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ आज पड़ने वाली है, देख रहे हैं ढंग। और ये पेड़ देख रहे हो अच्छे खासे स्नो में भरते हुए।
और ये गाड़ियाँ, और हम चलते हुए वापस घर की तरफ। और ये बच्चे शायद आ रहे हैं स्कूल से पढ़कर, स्नो में बेचारे जा रहे हैं घूमते घामते। देख सकते हो आप बढ़िया नज़ारा। और गाड़ियाँ, हालांकि स्नो भी डली हुई है यहाँ पर, खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ। जो पैदल का रास्ता है यहाँ पर भी बर्फ़ है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही स्नो रुकेगी, जिसकी उम्मीद मुझे आज कम है क्योंकि अलर्ट किया हुआ है इन्होंने, तो ये रहेगा ऐसे ही। काफ़ी स्नो होने वाली है आज, आज मौसम भी अच्छा खासा। और तो फोटोग्राफी करने का मज़ा आता है जब ये स्नो होती है यहाँ पर, ब्राइटनेस नहीं, कंट्रास्ट मज़ा आता है देख कर यार। बड़ा मशहूर सा गाना है पंजाबी का कि ले चलो उठे जिससे पैंती है स्नो, कि वहाँ ले चल जहाँ पर स्नो पड़ती है, कराड़ा घंटी पे यार अच्छी खासी स्नो है। और आज उम्मीद है कि 4-4 फुट बर्फ दिखेगी आपको, दिखाऊंगा आपको मैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इजाज़त, बाय।